Congratulations. Why? I love you. How dare you? How fair you? Hello friends. आज की वीडियो सैंडलवुड एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी की है। श्रीनिधि मॉडल होने के साथ साथ एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं। श्रीनिधि की कन्नड़ा सिनेमा की डेब्यू फिल्म KGF थी। इस फिल्म के बाद से श्रीनिधि की लाइफ ही बदल गई, लेकिन इसके लिए इन्होंने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्रीनिधि शेट्टी का जन्म 21 अक्टूबर 1992 को कर्नाटका के मैंगलोर की एक तिलवा बंड हिंदू फैमिली में हुआ था। श्रीनिधि की फैमिली में इनके माँ पापा और इनकी दो सिस्टर्स भी हैं। श्रीनिधि के पापा का नाम रमेश शेट्टी है और इनकी माँ का नाम कुशाला शेट्टी है। इनकी दो बहनें जिनमें एक का नाम अमृता शेट्टी और दूसरी का नाम प्रियंका शेट्टी है। जब श्रीनिधि अपनी स्कूल की पढ़ाई में 10th क्लास में थी, उसी समय श्रीनिधि की माँ का देहांत हो गया। श्रीनिधि की कम एज में जब उनकी माँ का देहांत हुआ तो वो समय श्रीनिधि के लिए आसान नहीं था। माँ के गुजर जाने के बाद भी श्रीनिधि ने अपनी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई श्री नारायण गुरु इंग्लिश मीडियम स्कूल मैंगलोर से की। उसके बाद इन्होंने मैंगलोर के सेंट एलोयसियस प्री यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की। फिर उसके बाद इन्होंने मैंगलोर के जैन कॉलेज से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से BE की डिग्री हासिल की। श्रीनिधि पढ़ाई में हमेशा से अच्छी थी। श्रीनिधि अपने स्कूली और कॉलेज के दिनों में बहुत से एनुअल फंक्शन में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। अपनी कॉलेज की पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद ये बेंगलोर के एसेंजर कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करने लगी। इन्हें बचपन से डांस और मॉडलिंग का शौक था। उनके इस शौक को पूरा करने के लिए इनके पापा ने और ज्यादा मेहनत की। उन्होंने श्रीनिधि की जॉब को छुड़वाकर उन्हें मॉडलिंग और डांस की ट्रेनिंग लेने के लिए कहा। साल 2012 में श्रीनिधि को क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और उसमें ये top 5 कंटेस्टेंट में आईं। इसके बाद से श्रीनिधि को उनके सपने आसान लगने लगे थे। श्रीनिधि ने साल 2015 में मन्नापुरम मिस क्वीन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें ये फर्स्ट रनर अप रहीं। श्रीनिधि मिस साउथ इंडिया, मिस कर्नाटका और मिस ब्यूटीफुल स्माइल जैसे टाइटल जीत चुकी हैं। इसके बाद श्रीनिधि ने मिस दीवा का ऑडिशन देने के बारे में सोचा, लेकिन तभी इनके दो फ्रैक्चर हो गए। फ्रैक्चर हो जाने की वजह से डॉक्टर ने इन्हें 3 महीने के बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। साल 2016 में एक बार फिर से श्रीनिधि ने मिस दीवा में पार्टिसिपेट किया और इस बार वो फाइनल तक पहुंच गईं। इन्होंने मिस सप्रा इंडिया का टाइटल भी अपने नाम किया। वहां पर इन्हें इनकी स्माइल, बॉडी और फेस की वजह से सब टाइटल दिए गए। उसके बाद पोलैंड में हुए मिस सुप्रा नेशनल कॉन्टेस्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस कॉन्टेस्ट में ये विनर रहीं। इसके बाद से श्रीनिधि के पास एक्टिंग के ऑफर आने लगे। जिस समय श्रीनिधि के पास KGF जैसी फिल्म का ऑफर आया था, उस समय ये फिल्म को साइन करने में डर रही थी, क्योंकि जिन लोगों ने श्रीनिधि के साथ अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया था वो लोग अब तक 10-10 फिल्म कर चुके थे। जब KGF फर्स्ट पार्ट बन रहा था, उस समय KGF के दूसरे पार्ट की कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन फिर बीच में जब KGF के दूसरे पार्ट को बनने की चर्चा चली, उस समय ये फिल्म लगभग 3 या 4 साल के लिए रोक दी गई। श्रीनिधि के कुछ दोस्तों ने इनसे बोला भी कि तब तक तुम कोई दूसरी फिल्म ट्राई कर लो, लेकिन श्रीनिधि ने अपने दोस्तों से साफ मना कर दिया और इन्होंने ये कहा कि जब तक ये फिल्म पूरी नहीं बन जाएगी तब तक मैं कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं करूंगी। क्योंकि श्रीनिधि को पता था कि KGF फिल्म की स्टोरी बहुत यूनिक है और इस फिल्म के कॉन्सेप्ट से उन्हें पता चल चुका था कि ये फिल्म बहुत आगे जाएगी। KGF का फर्स्ट पार्ट आने के बाद इस फिल्म ने बहुत धूम मचाई। इस फिल्म से श्रीनिधि को बहुत पॉपुलरिटी मिल गई और इससे वो बहुत खुश हुई। KGF फर्स्ट पार्ट के बाद इन्हें कोबरा मूवी करने का मौका मिला और इसमें भी श्रीनिधि ने अपना 100% दिया। इसके बाद श्रीनिधि ने KGF चैप्टर 2 फिल्म में काम किया और इस फिल्म ने रिलीज होते ही बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। श्रीनिधि की इस फिल्म में भी एक्टिंग लाजवाब रही और सिर्फ इन दो फिल्मों से ही श्रीनिधि कन्नड़ सिनेमा की ही नहीं पूरे इंडिया की एक जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमसे कनेक्टेड रहें। वायलेंस 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 आई डोंट लाइक इट।